मैं एक हिंदी पोएट्री सुनाना चाहूँगी। ये मैंने 2 साल पहले लिखी थी, जब कोरोना हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, सब अपने शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। मजदूरों के ऊपर सबसे ज़्यादा आफत आई थी, क्योंकि काम नहीं था, इतना पैसा नहीं था, उन्हें अपने गांव जाना पड़ रहा था। तो जो मजदूरों पे मैंने लिखा था, इसका शीर्षक है मजदूर। मजदूर हूँ मैं, हाँ मजबूर भी हूँ मैं, गरीब हूँ इसीलिए किसी की नज़र में नहीं हूँ मैं, नज़र में हूँ तो भी ज़रूरी नहीं हूँ मैं। मजदूर हूँ मैं, हाँ मजबूर भी हूँ मैं, मेरी जान की कीमत उतनी ही सस्ती है जितनी मेरे काम की है, और मेरे काम की कोई इज्जत नहीं, क्योंकि कोई नाम की हस्ती नहीं हूँ मैं। मजदूर हूँ मैं, हाँ मजबूर भी हूँ मैं, मुझे समाज में इज्जत नहीं दी जाती, क्या इसके लायक नहीं हूँ मैं। तुम्हारे लिए दिन रात कर एक घर बनाऊँ मैं, मुश्किल वक्त में मुझे थोड़ी सी जगह दो उस घर में, क्या उसके काबिल नहीं हूँ मैं। मजदूर हूँ मैं, मजबूर भी हूँ मैं, मेहनत तुमसे ज़्यादा करूँ पर 2 वक्त का खाना भी ना कमा पाऊँ, क्या इस भुखमरी के लायक हूँ मैं। मजदूर भी हूँ मैं, हाँ मजबूर भी हूँ मैं, तुम अपनी राजनीति के चलते मुझसे झूठे वादे करके मेरा मत ले लो, और सियासत संभालने के बाद मुझसे इतिहास की तरह भुला दो, क्या मेरी किस्मत का मालिक भी नहीं मैं। मजदूर भी हूँ मैं और मजबूर भी हूँ मैं, ना मेरे हक के लिए कोई लड़ता है, ना मेरे सच के लिए कोई लड़ता है, क्या अब इंसानों को मिलने वाले हक का हकदार भी नहीं हूँ मैं। हाँ मजदूर हूँ मैं, मजबूर भी हूँ मैं, क्योंकि तुम लोगों जितना अमीर नहीं हूँ मैं। धन्यवाद।